नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि के बारे में। अगर आपकी भी राशि मकर है तो दोस्तों आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम शनिदेव के सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिख दें। भगवान शनिदेव की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके ही घर में छुपा है सबसे बड़ा गद्दार। जी हाँ दोस्तों, और ये धीरे ही धीरे आपको कंगाल कर रहा है और दोस्तों इनका भनक आपको अभी तक नहीं लग पाया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों हो सके तो आज की इस वीडियो को आप अकेले में देखें। जी हाँ दोस्तों, कि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जीवन की वह जानकारी मिलेगी जिन्हें सुनकर आपके होश तोड़ेंगे, लेकिन दोस्तों ये आपके जीवन की कड़वी सच्चाई है। इन्हीं के बदौलत आप अपने जीवन काल में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इन्हीं के कारण जीवन काल में आपकी लगातार समस्याएँ आ रही है। दोस्तों आप शुभ को बता दें कि दुश्मन कभी भी आपको सफल होते नहीं देख सकते और दोस्तों आपकी सफलता के बीच रोड़े बनते रहते हैं। और दोस्तों एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप सफल होते हैं, जब भी आपके मन में प्रसन्नता होती है, जब भी आपको कुछ चीज़ आपकी मेहनत से मिलती है, तो दोस्तों यही दुश्मन आपके खिलाफ कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र जरूर बनाते हैं जिससे कि आपकी वह खुशी आपसे छिन जाए। लेकिन दोस्तों यह बात तो हुई बाहरी दुश्मनों की, लेकिन दोस्तों उसका क्या करें जो कि आपके घर के अंदर ही बैठा हुआ है। दोस्तों ऐसे लोग जो आपके करीबी होते हुए भी आपका अच्छा नहीं चाहते, यह लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दोस्तों हम आप शुभ यह बात बताना चाहेंगे कि अगर आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक कुछ नहीं भी मिला तो भी आपने काम चला लिया है, जिसे तैसे करके अपने जीवन काल में अपने जीवन यापन करते हैं। आप हमेशा दूसरों को खुशी देने के लिए अपने सभी इच्छाओं को, अपने सभी अरमानों का गला दबाकर आप उन्हें खुशियां देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी आज तक कभी भी कदर नहीं हुई। और दोस्तों इसका रीजन एक यह भी है कि आपने जिनके लिए सब कुछ निछावर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा जिनके लिए, और दोस्तों हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहे, लेकिन दोस्तों उन लोगों ने आपकी फीलिंग, आपकी इमोशंस या फिर कहीं आपके जज्बातों का कभी भी कदर ही नहीं किया। जी दोस्तों, आपकी राशि वालों को हम यह बात बताना चाहेंगे कि आप लोग वैसे तो शेर की तरह होते हैं, आपके साथ चाहे कि जितना भी बुरा क्यों ना हो, आप लोग पलटकर सबसे अच्छा ही रहते हैं, सबके साथ अच्छा ही करते हैं। जी दोस्तों, आपके मन में कभी भी दूसरों के प्रति द्वेष की भावना, हीनता की भावना या फिर यूं कहें तो किसी के प्रति बुरा व्यवहार आपके अंदर नहीं आया। जी दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हर इंसान की सहन करने की कोई शक्ति होती है, कोई सीमा होती है, पर फिर भी आपकी राशि वाले लोगों की सबसे अच्छी और दिलचस्प बात यह है कि आपका अगर सब कुछ लूट भी जाए, तबाह भी हो जाए, बर्बाद भी हो जाए, यूँ कहें तो सब कुछ बिखर जाए, फिर भी दोस्तों आप अपना जो आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, उन्हें कभी खोते नहीं, दूसरे के सामने गिड़गिड़ाते नहीं। जी दोस्तों, आप हमेशा खुद को एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान बनाना चाहते हैं जो कि कोई और नहीं है। जी दोस्तों, आप हमेशा अपने खुद का कार्य शुरू करना चाहते हैं, खुद का मालिक बनना चाहते हैं, दूसरे के आगे भीख मांगना, गिड़गिड़ाना आपकी कोई जो है आदत नहीं होती, उनमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं होता। अगर आप कोई काम करने की ठान लें तो दोस्तों आप उन्हें पूरा करके ही छोड़ते हैं, क्योंकि आपके राशि वाले जो लोग होते हैं थोड़ा जिद्दीपन होते हैं, जिद से आप हर कार्यों में सफलता की प्राप्ति कर लेते हैं और दोस्तों वह काम पूरा करके ही छोड़ते हैं। इस राशि के लोग अगर किसी से प्यार भी करते हैं तो दोस्तों आप लोग इस तरह उनके प्यार में, सामने वाले के प्यार में पागल हो जाते हैं कि आप लोग अपने पार्टनर की छोटी से छोटी बात को भी अपने दिल पर लगा लेते हैं, उनके इमोशन से आपका इमोशन बहुत ही जल्दी जुड़ जाता है और दोस्तों इतना जल्दी आप भावनात्मक रूप से उनसे जुट जाते हैं कि दोस्तों छोटी से छोटी बात पर भी आपको दर्द होने लगता है,
आपको लगता है कि वह व्यक्ति कैसे होंगे, उनके प्रति आपका जो ख्याल है, जो आदर सम्मान है, वह बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जो अगला व्यक्ति है वे आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाते। आप बहुत ज़्यादा उनसे कहते हैं, दिल की बातें शायद उनके सामने रख देते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी जो अगला व्यक्ति होता है आपकी भावनाओं का कदर नहीं करता, आपकी फीलिंग को समझ नहीं पाते और दोस्तों आपको ठुकरा देते हैं। दोस्तों ऐसे में आपका जो दिल टूटता है, जो आपका इमोशन को ठेस पहुंचता है, मानो समंदर में ही आग लग गई हो। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे सहनशील इंसान आपकी राशि के सभी लोग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, समझदार होने के साथ साथ दयावान भी होते हैं, कभी किसी के ऊपर आंच भी नहीं आने देते। दोस्तों जीवन काल में अगर आपके सामने कोई इंसान गिर रहा है, मर रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आप उन्हें गिरते मरते नहीं दे पाते। दोस्तों यूँ कहें तो आप मदद करने के लिए आपके पास जितना भी कुछ होता है दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं और उनकी मदद करते हैं। दोस्तों आपके राशि वालों के साथ ऐसा देखा गया है कि आपकी जो अच्छाई होती है उन्हीं की वजह से आप हमेशा गड्ढे में गिर जाते हैं। आप चाहते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, जीवन काल में जो भी व्यक्ति है उनके साथ रहेंगे, मिल बांट कर चलेंगे, लेकिन दोस्तों अक्सर आपकी अच्छाई ही आपको जो है गड्ढे में गिराते हैं, आपकी अच्छाई ही आपको जो है लोगों के सामने बुरा बना देते। दोस्तों आपको भी अपने जीवन काल में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि ज़्यादा भोलेपन बनने का प्रयास नहीं करना है। दोस्तों कोई दूसरा इंसान जिसको आपने अपना समझ कर उसके लिए सब कुछ किया और वह इंसान आपकी रिस्पेक्ट ना करे, आपकी फीलिंग को हर्ट करे, आपको कुछ भी ना समझे, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो आपसे अपना फ़ायदा निकालते हैं और दोस्तों आपको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और जब उनका काम बन जाए तो दोस्तों फिर आपको वह बेझिझक छोड़ देते हैं और फिर आपसे बात भी नहीं करते हैं। क्या दोस्तों ये सब जो घटनाएँ हम आपको बता रहे हैं ये सब घटनाएँ आपके साथ नहीं हो रही है? जी हाँ दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। क्या दोस्तों ऐसे लोग आपके जीवन में नहीं हैं? हमें अपना जवाब कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशि के लोगों का जो दिल होता है वह बहुत बड़ा होता है। दोस्तों आप लोग सबको बहुत ही जल्दी माफ़ कर देते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको यह बात बता दें कि अब बहुत हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ जिसने भी गलत किया है उसे अब सबक सिखाने का मौका आ गया है, उसे अब वैल्यू बताने का टाइम आ गया है, अब उसको आपकी अहमियत का पता चलना चाहिए। आपका दोस्तों अब अच्छा टाइम आ ही गया ऐसा ही समझिए, लेकिन दोस्तों सावधान भी हो जाएं। दोस्तों जो गलतियां आपने पहले की है, जो ठोकरें आपने पहले खाए हैं, सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वही गलती आपको वापस अपने जीवन में नहीं दोहराना। जो गलती आपने पहले की है उसे दोबारा से आप करके अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका दिल वैसे तो बहुत बड़ा है, इसलिए आप लोग कई बार जो आपको धोखा देते हैं उनके पीछे वापस लग जाते हैं। लोग आपसे दो चार प्यार भरी मीठी बातें करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे और आप लोग एक बार फिर उन्हें माफ़ करके उनके पीछे लग जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा अब आपको अपने जीवन काल में बिल्कुल भी नहीं करना है। जी दोस्तों, अब चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर आपकी फीलिंग, आपकी इमोशन की, आपकी भावनाओं की कदर कब होगी। दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि कलयुग के महाराज भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि अब आपके ऊपर पड़ने वाली है। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शनिदेव अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं और इस चाल की वजह से शनिदेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है और दोस्तों शनिदेव किसी का भी बुरा होता हुआ नहीं देख सकते, न्याय के देवता हैं और जो अन्याय करते हैं शनिदेव उसे दंडित भी जरूर करते हैं, इसलिए दोस्तों आपको न्याय जरूर मिलने वाला है। दोस्तों आप शिव को बता दें, दोस्तों जो लोग आपके साथ बुरा किए हैं आप उसे पलट कर कुछ नहीं कहते, लेकिन दोस्तों आप शिव को बता दें कि अब वक्त आ गया है जब आपको भी जवाब देना है। जी दोस्तों, अब समय आ गया है आपकी जवाब देने का, क्योंकि दोस्तों अब स्वयं कलयुग के महाराज शनिदेव आपके साथ हैं, उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया है और अब आपकी सारी परेशानियां दूर करेंगे। दोस्तों आपको जितने भी दुख आए हैं उनका भी हिसाब आपको दिलाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कल से ही आपके जीवन काल में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा
और दोस्तों आने वाले महीनों में जो ग्रहों की चाल में परिवर्तन होंगे, ये दोस्तों परिवर्तन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होंगे। आपके सपने धीरे धीरे हकीकत में बदलते जाएंगे। आपके दुश्मन भी अब सोच में पड़ जाएंगे कि आपका समय आ गया। अब दोस्तों कोई समझे या फिर ना समझे, लेकिन वक्त आपके जज्बातों को जरूर समझेगा। दोस्तों अब आपका समय जल्द से जल्द बदलने वाला है, बस आप अपना कर्म करते रहिए। दोस्तों आप शिव को बताना चाहेंगे कि अब आपको अपने जीवन काल में बहुत ही बड़ा सफलता मिलने वाली है, जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को यह बात बता दें कि आपकी कुंडली में 499 साल के बाद बड़ा राजयोग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप शिव को बता दें कि अब आपकी भक्ति से कलयुग के महाराज शनिदेव बेहद ही प्रसन्न हो चुके हैं, जिससे अब आपकी एक नई मिसाल साबित होने वाली है। आपकी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। अब आपकी एक अलग पहचान बनने वाली है। समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ने वाले हैं। कामयाबी के द्वार अब आपके रास्ते पर आने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि दोस्तों ये जो समय होगा आपके लिए दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की आप करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। शनिदेव के लिए आप अपने जीवन काल में खास भक्ति रखते रहिए। जीवन काल में आपको शिक्षा, नौकरी, व्यापार के क्षेत्र में नई खुशखबरी मिलने वाली है। और दोस्तों यश में ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है कि दोस्तों आपके रास्ते पर बहुत सारे ऐसे लाभ के मौके खुलेंगे जिनमें आप कार्य भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों समय अब आपका जो बदलेगा, इनमें आपको वह गलतियां नहीं करनी है जो आपने पिछले समय किया है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यश में आप महत्वपूर्ण फैसला सोच समझ कर ही लें। जी हाँ दोस्तों, अपने विवेक से कार्य करने की आपको आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी किस्मत का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको जो भी मेहनत है उनका पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। इस दौरान आपकी लॉटरी भी लग सकती है। समाज में इस दौरान मान सम्मान बढ़ेगा। आपके वैवाहिक जीवन में खुशी आने वाली है। जी दोस्तों, साथी संतान की ओर से कोई नया उपहार मिल सकता है, कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। किस्मत चमकने के कारण आपकी रुके हुए कार्य भी यश में पूरे होने वाले हैं। और समाज में जो मान सम्मान आपने खोया था दोस्तों, अब आपको फिर से प्राप्त होगा। ऑफिस के क्षेत्र में आपको पदोन्नति प्राप्त हो सकता है। व्यापार में चल रही आपकी सारी परेशानियां अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। दोस्तों आय के नए स्रोत स्थापित होने वाले हैं। परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने वाली है। प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको इस दौरान सफलता प्राप्त हो सकती है। और दोस्तों यश में आपको शनिदेव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को काले तिल के साथ आटा और शक्कर मिलाकर चींटियों को डालें। इसके साथ ही दोस्तों शनिवार के दिन काले तिल, काला कपड़ा, कंबल, लोहे के बर्तन, उड़द की दाल आप जितना हो सके गरीबों में, जरूरतमंदों में दान करें। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं एवं हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। इसे शनि दोषों का जो सामना है मनुष्य को नहीं करना पड़ता है और हनुमान जी की कृपा भी इनसे प्राप्त होती है। दोस्तों आपको बता दें कि आप शनिवार के दिन शनि मंत्र का भी जाप करें। यह मंत्र है ओम शन शंचराय नमः। दोस्तों इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो दोस्तों भगवान शनिदेव की कृपा आपके जीवनकाल पर निरंतर पड़ती रहेगी। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दें कि मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी के यहाँ सरसों का तेल का दीपक जलाएं और सुंदर कांड का पाठ करें। दोस्तों जून काल में आपके सारे कार्य बनेंगे। और साथ दोस्तों और इसी जानकारियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।